दोस्तों अक्सर पार्टियों में म्यूजिक को हाई बेस और हाई वॉल्यूम में सुनने के लिए हम डीजे का इस्तेमाल करते हैं, जिसका बेस इफेक्ट हाई होने के कारण लोग डांस करने पर मजबूर जाते हैं और इसी डांस को कंटिन्यू रखने के लिए एम्पलीफायर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें मोबाइल को कनेक्ट करके म्यूजिक को डीजे में चलाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर एम्पलीफायर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और उसके साथ साथ डीजे को भी फैक्ट्री में बनते हुए देखेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे कड़ी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। तो नंबर पहले पर आता है एम्पलीफायर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों अक्सर आपने पार्टियों में डीजे के साथ एम्पलीफायर तो जरूर देखा होगा, जो मोबाइल से कनेक्ट होता है और मोबाइल में चलने वाले सॉन्ग के स्ट्रेंथ को बढ़ाकर स्पीकर से एक हाई वॉल्यूम सॉन्ग को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम बहुत लंबी दूरी से भी सुन सकते हैं। तो एम्पलीफायर को बनाने के लिए सबसे पहले स्टील सीट पर लेजर मशीन से एम्पलीफायर बॉडी का शेप ड्रॉ किया जाता है, फिर इस सीट को सियरिंग मशीन में डालकर एम्पलीफायर बॉडी के साइज में कटिंग करते हैं। अब इन स्टील प्लेट पर प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर छोटे छोटे होल करते हैं, जिससे एम्पलीफायर के अंदर का हीट बाहर निकलता है। अब एक दूसरे प्लेट के साइड वाले पार्ट पर दबाव देकर बेंड करते हैं, फिर इसके सभी छोटे छोटे पार्ट को वेल्डिंग करके एम्पलीफायर बॉडी को तैयार करते हैं। अब इसमें ड्रिल करके छोटे और बड़े होल किए जाते हैं, जिसमें स्क्रू और अदर कंपोनेंट को लगाया जाएगा। अब पीसीबी को बनाने के लिए ट्रांसमिट डायोड को पीसीबी प्लेट पर असेंबल करके एक वाइट कंपोनेंट को लगाते हैं, फिर इनमें वेव सोल्डिंग करते हैं, जहां पीसीबी को पिघले हुए सोल्डर से क्रॉस किया जाता है, जिसमें सोल्डिंग लार्ज स्केल पर होता है। फिर सोल्डिंग को और मजबूत करने के लिए इसके एक एक कंपोनेंट पर पिघले हुए सोल्डर को लगाया जाता है, जिससे पीसीबी बनकर तैयार हो जाता है। अब अगले स्टेप में टोरॉइडल ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए इंसुलेटेड कोर को बाइंडिंग मशीन में रखकर कॉपर वायर की बाइंडिंग करते हैं और बाइंडिंग पूरा हो जाने के बाद लास्ट में टेप लगाकर कॉपर वायर को कटिंग करते हैं और फाइनली इसे बाहर निकाल कर पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे आखिर ये ट्रांसफार्मर गोल क्यों है, तो मैं बता दूं ये ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर का अपडेटेड मॉडल है, जो कम वाइब्रेशन करने के साथ साथ टिकाऊ भी होता है, जिससे ये ट्रांसफार्मर जल्दी खराब नहीं होता और ये ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर के कंपेयर में बेहद कम जगह कवर करता है। फिर लास्ट में फैन को बनाने के लिए इसके सारे पार्ट को असेंबल करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब असेंबलिंग प्रोसेस में बॉडी पर रबर स्टैंड लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं, फिर बाइंडिंग पोस्ट को लगाया जाता है, जिसके मदद से एम्पलीफायर में इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है। फिर RCA सॉकेट को असेंबल करते हैं। दोस्तों इसी सॉकेट से मोबाइल को कनेक्ट करके एम्पलीफायर में इनपुट दिया जाता है और लास्ट में 3-पिन सॉकेट को लगाकर फैन को असेंबल करते हैं, जो एम्पलीफायर को कूल करता है। अब MOSFET ऑडियो बोर्ड में होल करके वायर से जोड़ते हैं और एम्पलीफायर के अंदर रखकर सारे कंपोनेंट से कनेक्ट करते हैं। अब ट्रांसफार्मर को असेंबल करके इसे नट से टाइटली कसते हैं, फिर हैमर से पीट कर सारे कंपोनेंट को एडजस्ट करते हैं। अब इसमें हैंडल को लगाकर स्विच और वॉल्यूम कंट्रोलर को लगाते हैं और लास्ट में टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां वर्कर इसके सारे पार्ट को चेक करके मेंटेन करते हैं। इस तरह टेस्टिंग प्रोसेस हो जाने के बाद आउटर बॉडी लगाकर स्क्रू से टाइटली क्लोज करते हैं, फिर इसे बॉक्स में डालकर पैक करते हैं और फाइनली हमारा एम्पलीफायर बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों जब हम एम्पलीफायर की बात कर ही रहे हैं, तो डीजे स्पीकर कैसे छूट सकता है, जो कि इन दोनों का चोली दामन का रिश्ता है। तो नंबर दूसरे पर आता है डीजे स्पीकर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आजकल के शादियों में बैंड दिखना बेहद कम हो गए हैं, जिसका कारण है डीजे स्पीकर, जो अपने बेस इफेक्ट से लोगों को अपना दीवाना बनाता है और लोग इसे देख कर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो डीजे को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें लगने वाले स्पीकर को बनाते हैं, जिसे बनाने के लिए स्टील प्लेट को पंचिंग मशीन में डालकर इसके फ्रेम को तैयार करते हैं, जिसे हम स्पीकर बास्केट भी कहते हैं। फिर इन बास्केट को जिंक वाटर में धुलकर हीटर मशीन से गुजारते हैं, जिसे इन बास्केट में लंबे समय तक जंग नहीं लगता है। फिर डायफ्राम पर दो वायर अटैच करके वाटरप्रूफ कोटिंग करते हैं, जिसे डायफ्राम पर पानी लगने से कुछ नहीं होता है। फिर अगले प्रोसेस में कॉइल को बनाने के लिए कॉपर वायर को लपेट कर एक रिंग की तरह बना लेते हैं और इनके एक्स्ट्रा वायर को काट कर स्पाइंडर को भी लगा देते हैं। फिर इन पर ग्लू लगा कर डायफ्राम को भी असेंबल कर लेते हैं। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जिसमें मैग्नेट पर ग्लू लगाकर आयरन प्लेट पर रखते हैं, फिर बास्केट को मैग्नेट पर रखकर स्क्रू से टाइटली कस देते हैं और डायफ्राम वाले हिस्से को बास्केट में डालकर
और ग्लू की मदद से डस्ट कैप को चिपका देते हैं। फिर यूवी लाइट की मदद से इनका जांच करके डीजे में लगने के लिए पास कर दिया जाता है। अब बारी आती है डीजे के बॉडी को बनाने की, जिसे बनाने के लिए लकड़ी के प्लाई को कटिंग मशीन में डालकर डीजे के अलग अलग शेप में काटते हैं। फिर इसके साइड वाले पार्ट को जोड़कर की लगाते हैं और इस तरह से डीजे का आउटर स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसे पेंटिंग यूनिट में भेजकर एक वर्कर द्वारा ब्लैक पेंट का स्प्रे करते हैं और पेंटिंग प्रोसेस हो जाने के बाद स्टील शीट को पंचिंग मशीन में डालकर उस पर छोटे छोटे होल किए जाते हैं। फिर इन छलनी जैसे दिखने वाले स्पीकर प्रोटेक्टर को रोलिंग मशीन में डालकर स्मूथ बनाया जाता है। अब पीसीबी प्लेट पर माइक्रोचिप को लगाकर कॉइल जैसे दिखने वाले कंपोनेंट को लगाते हैं। फिर दो और ब्लैक कलर के कंपोनेंट को लगाकर पीसीबी को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। अब असेंबलिंग प्रोसेस में फ्रेम पर स्क्रू लगाकर इनमें कार्डबोर्ड को डालते हैं। फिर सर्किट को भी असेंबल करके इनमें लगने वाले सारे छोटे छोटे पार्ट्स को लगाते हैं। और लास्ट में स्पीकर को लगाकर सर्किट से कनेक्ट कर लेते हैं और सारे काम हो जाने के बाद स्टील फ्रंट को लगाकर डीजे स्पीकर को क्लोज कर देते हैं और इस तरह से अपना डीजे स्पीकर बनकर तैयार हो जाता है। फिर इन्हें पैक करने के लिए एक गत्ते में डालकर प्लास्टिक और फोम लगाते हैं। फिर दूसरे गत्ते से कवर करके मशीन द्वारा प्लास्टिक रस्सी से बांधकर कंपनी का बारकोड लगा देते हैं और लास्ट में ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है।